मैडम आपने मुझे बुलाया। हाँ आ जाओ, ये लो अपनी सैलरी ले लो, पूरे 20,000 रुपए हैं। मैडम मेरी सैलरी 25,000 रुपए है, तो ये 20,000 क्यों? 5,000 काटने बनते नहीं है क्या? पिछले महीने तुम टूर पे गए थे कंपनी के साथ, भूल गए हो क्या? मैडम टूर तो ऑफिस की तरफ से था ना, तो मेरे पैसे क्यों काटे? अरे ऑफिस की तरफ से था तो क्या हो गया, शायद भूल गए हो क्या तुम? मनाली में जाके तुमने कितने मजे किए थे, और तो और हम 5-स्टार होटल में रुके थे, और ऊपर से जो तुमने खाना खाया था ना वो कितना महंगा था पता नहीं है तुम्हें, और तुम्हारे अकेले का खर्चा ना पूरे 15,000 रुपए बैठा था, वो तो शुक्र मनाओ मेरा कि मैंने सिर्फ 5,000 काटे हैं। मैडम टूर तो ऑफिस की तरफ से था ना, अगर मुझे पहले पता होता कि आप मेरी सैलरी में से 5,000 रुपए काटोगी तो मैं टूर पे जाता ही नहीं। हाँ पर जब कंपनी के सारे लोग फॉर्म पे साइन कर रहे थे तब तो तुमने एक बार भी नहीं सोचा था, बिना सोचे समझे तुमने साइन कर दिया, एक बार तुमने ध्यान भी नहीं दिया फॉर्म पे, तो उसमें मेरी गलती थोड़ी है, पर तुम उस टाइम पे तो घूमने की लगी हुई थी ना, इसलिए तुम्हारे दिमाग में कुछ आया भी नहीं। मैडम अगर आप मेरी सैलरी से 5,000 रुपए काट लोगी तो मेरे घर का सारा बजट बिगड़ जाएगा, आप एक बार सोचिए तो सही। देखो मुझे ना इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, हाँ अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारी सैलरी में सिर्फ पूरे 15,000 काट लेती हूँ, बोलो काटो। अपना जाओ यहाँ से जल्दी और दूसरे बंदे को भेजो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, निकलो यहाँ से। जी मैडम। मैडम आपने बुलाया मुझे? हाँ तुम्हारी सैलरी देने के लिए बुलाया था, ये लो तुम्हारी सैलरी। मैडम इसमें तो 2,000 रुपए कम है। तुम भूल गए हो क्या, तुमने इस महीने पूरे 4 छुट्टी की है, इसके पैसे नहीं काटूंगी क्या मैं? मैडम मुझे लगता है आपने संडे भी काउंट कर लिया है। शायद तुम्हें पता नहीं है इस ऑफिस में ना कोई संडे वनडे की छुट्टी नहीं होती, यहाँ पे ना संडे को भी आना होता है, और अब तुम नहीं आए तो पैसे तो कटेंगे ना। ठीक है अब जाओ यहाँ से, अगले महीने से कोई छुट्टी मत करना, पैसे नहीं कटेंगे। पर मैडम। पर कुछ नहीं, अगले बंदे को भेजो, निकले यहाँ से। ठीक है मैडम। मैडम आपने बुलाया क्या मुझे? हाँ बुलाया, अंदर आ जाओ। हाँ मैडम क्यों बुलाया आपने? ये लो तुम्हारी सैलरी पूरे 15,000 है। मैडम मेरी सैलरी तो 20,000 है ना, आपने 15,000 ही दिए, मेरे 5,000 क्यों काटे? अरे भूल गए क्या तुम, इस महीने तेरा बर्थडे था और तेरे बर्थडे की पार्टी पूरे ऑफिस वालों ने की थी, और जिसमें सबने अच्छे से भरपेट खाना खाया था, तो उन सबका पैसे कहाँ जाएगा? और तुझे पता है खर्चा कितना हुआ था? पूरे 10,000 रुपए का। वो तो मेरा एहसान मान कि मैं फिर भी तेरे सिर्फ 5,000 रुपए काट रही हूँ, तुझे तो मेरा एहसान मान होना चाहिए कि मैंने पूरे 10,000 रुपए नहीं काटे। चल अब जाए ऐसे, दूसरे बंदे को भेज, निकल जल्दी यहाँ से। पर मैम। देख बहस नहीं करनी मेरे साथ, समझा, निकल यहाँ से। हरदीप सबकी सैलरी दे दी? हाँ दे दी। अच्छा तो फिर तेरे पास इतने सारे पैसे कैसे बचे? अरे पूछ मत, मेरे पास ना बहुत अच्छा आइडिया है, मैंने ना सारे एम्प्लॉइज की सैलरी में से ना किसी के 2,000, किसी के 3,000, किसी के 5,000 पैसे काट लिए, और सबके सैलरी में से कट कर करके ना मेरे पास ना पूरे 20,000 रुपए बचे हैं। और तुझे पता है सबसे मजे की बात क्या है, कोई भी ना मुझसे बहस कर ही नहीं सकता, मैंने उनके पैसे भी काट लिए और उन्हें ना कोई बहाना बना दिया, और मैंने ना उन्हें जितने भी पैसे दिए ना वो बेचारे चुपचाप लेके चले गए, और ऐसे कोई पहली बार नहीं कर रही, मैं पिछले पूरे 3 महीने से कर रही हूँ और आज तक ना किसी को कुछ भी पता ही नहीं चला। अरे दीप ये सब तो गलत है ना, किसी का हक मारना, किसी के पैसे मारना, ये तो बहुत गलत बात है। अरे यार तू पागल वागल हो गया क्या, तू ज्यादा ना मुझे मत समझा, वैसे भी जिस चीज में मेरा फायदा ना मेरे लिए ना वही चीज सही है। देख दीप तू इस कंपनी में ना इतने सालों से जॉब कर रही है, अगर ये बात बॉस को पता लग गई ना तो तेरी जॉब भी जा सकती है, ऐसा मत कर दूं। लेकिन बॉस को बताएगा कौन, तू बताएगा या कोई और एम्प्लॉय बताएगा? अरे जब बॉस को पता ही नहीं चलेगा तो मुझे नौकरी से निकालेंगे क्यों? देख दीप जो तूने किया है ना तो ये उसके लिए ना एकदम पछताना पड़ेगा, मेरी बात मान चुपचाप से ना उन बेचारों के पैसे दे दे। अरे मैं क्यों दे दूं पैसे वापस, और मुझे क्यों पछताना पड़ेगा, पिछले पूरे 3 महीने से कर रही हूँ ये सब, अभी तक तो मुझे पछताना नहीं पड़ा, उल्टा ना मेरा फायदा ही हुआ है, तो मैं तो नहीं करने वाली ऐसा कुछ भी, और ना ही ना मैं उन लोगों के पैसे वापस करने वाली हूँ, समझे तुम? और हाँ तूने एक बात अच्छे से सुन ले, मैं ना आगे भी ना ऐसे ही करती रहूंगी जब तक मेरा फायदा होता रहेगा। देख दीप किसी को दुख देगे ना इतना खुश मत हो, एक दिन ना तेरी खुशी जरूर गम में बदलेगी, क्योंकि ऊपर वाले के घर में ना देर है अंधेर नहीं। क्या कहा तूने, भगवान? अरे ओ भगवान होगा ना कुछ नहीं होता, और अगर होते ना तो मैं इतने दिन से उन लोगों के साथ ना गलत कर रही हूँ, तो मेरे साथ भी तो गलत हो जाना चाहिए था ना, पर मेरे साथ तो कुछ गलत नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही है ना कि मैं जो भी कर रही हूँ बिल्कुल सही कर रही हूँ, और अगर हाँ इन सारी बातों को सुन के अगर तेरा मन भी थोड़ा सा बदला हो ना तो मुझे बता दियो, अगले महीने से ना मैं थोड़े एक्स्ट्रा पैसे काट लूंगी, उनमें से कुछ मैं तुझे भी दे दूंगी। नहीं नहीं दीप मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, और हाँ
मेरी बात को याद रखना, तेरे साथ आज नहीं तो कल जरूर गलत होगा। चल ठीक है ठीक है, अब ज्यादा ना मुझे ज्ञान मत दे, मेरे ना वैसे बहुत ज्यादा सर में दर्द हो रहा है, जाके ना अपना काम कर, चल जाए ऐसे निकल। हेलो, हाँ रामू बोल। मैम साहब घर में ना चोरी हो गई है और सारे गहने सारे पैसे लेके चोर चला गया है। क्या? आप मैडम जल्दी से घर पे आ जाइए। ठीक है रामू, मैं आ रही हूँ। ये सब क्या हो गया अचानक से? मेरे घर में चोरी, वो भी इतना बड़ा नुकसान हो गया मेरे इन सब से। मैं क्या करूँगी अब? अरे दीप, वो शर्मा जी की फाइल कंप्लीट हो गई क्या? अरे दीप क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? क्या बताऊँ यार, जब तू कल चला गया था ना, तो उसके बाद ना मेरे रामू का जो मेरे घर पे काम करता है ना, उसका फ़ोन आया था और उसने बताया कि घर पे ना चोरी हो गई है। और जब मैं घर पे गई, मैंने घर जाके देखा तो जितना ही मेरा कीमती सामान था सारा का सारा चोरी हो चुका था। मेरी ज्वेलरी, कैश, सब कुछ गायब था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, इतना बड़ा नुकसान अब मैं कैसे झेलूँगी। एक बात बोलूँ दीप, तेरे साथ जो हुआ है ना वो बिल्कुल सही हुआ है। यार तू ये कैसी बातें कर रहा है, मेरे साथ इतना कुछ हो गया और तू कह रहा है कि जो भी हुआ सही हुआ? हाँ मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, जो भी तेरे साथ हुआ है ना वो बिल्कुल सही हुआ है। तू लोगों के साथ क्या कर रही है? क्या? अभी रुक, अभी तुझे सब कुछ बताता हूँ। हमारी कंपनी में इतने सारे एम्प्लॉय काम करते हैं और तू उन एम्प्लॉय के साथ क्या करती है, तू गलत तरीके से उनकी सैलरी काट लेती है कुछ ना कुछ बहाने बना के। तूने इस महीने नहीं करा, तू पिछले 3 महीने से कर रही है सब कुछ और तुझे ये सब कुछ करते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आती। अरे यार बोलो कितनी मेहनत करते हैं, तुझे पता है इतने पैसों में उनको अपना घर का खर्च चलाना है, ठीक है, अपने बच्चों की स्कूल की फीस जमा करनी है, अपने माँ बाप की दवाइयाँ लानी है और भी घर के बहुत सारे खर्चे होते हैं जिन्हें तू कभी नहीं समझ सकती। और तू क्या कर रही थी, उनके हक के पैसे मार रही थी। दीप एक बात ना हमेशा याद रखियो, जो गरीब लोगों की हाय होती है ना वो इंसान को कभी चैन से जीने नहीं देती है। यार तू कह तो बिल्कुल सही रहा है, मैंने जो भी किया बहुत गलत किया, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अब मैं अपनी गलती कैसे सुधारूं? देख दीप, अगर तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है ना तो तू एक काम कर, उन बेचारों की ना सबकी सैलरी वापस कर दे जो तूने गलत तरीके से काटी है, क्योंकि ना गरीबों की दुआओं में ना बहुत असर होता है। अगर तू उन लोगों के साथ अच्छा करेगी ना तो ऊपर जो भगवान बैठा है ना वो तेरे साथ अच्छा करेगा। देख ले यार तुझे क्या करना है, मैं तो तेरा दोस्त हूँ, मैं तो तुझे समझा सकता हूँ, करना ना करना सब तेरे हाथ में है। चल ठीक है मैं चलता हूँ, मेरी फाइल कंप्लीट हो गई है ना, मैं बॉस के पास जा रहा हूँ। ठीक है सोच लियो। शिवम ये लो तुम्हारे 5,000 और अमित ये तुम्हारे पैसे और सागर ये तुम्हारे पैसे और शिवम ये बाकी के पैसे विशाल और सचिन को दे देना। मैडम वो सब तो ठीक है पर अब हमें पैसे क्यों दे रही हो? वो सब तुम्हारे लिए जानना जरूरी नहीं है। और हाँ एक बात और बताना चाहती हूँ मैं तुम सबको कि आज से ना तुम्हारी सैलरी तुम सबको पूरी मिलेगी, कोई भी पैसा नहीं काटा जाएगा। थैंक यू मैडम। हेलो। हेलो मैडम, मैं मुखर्जी नगर थाने से अविनाश इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। जी सर। आपके घर में जो चोरी हुई थी ना वो सारा सामान मिल चुका है और हमने उस चोर को भी पकड़ लिया है, तो आप जल्दी से थाने आ जाइए। क्या सर सच में? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। किसी ने सही कहा, जैसा करोगे वैसा भरोगे।